की आवाज को पार्लियामेंट में जगह दे, और इस राष्ट्रीय सोच को जो बारी बारी लाया जाता है, जो हरियाणा की आवाज को दबा देती है, गूंगे बेरे सांसद पार्लियामेंट में भेजती है, कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का समय। जी, नायब सिंह सैनी ने इस्तीफा में कहा है कि सरकार अलग मत में बेशक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलो सरकार में कोई मुख्यमंत्री दिक्कत ये तो नहीं है। मान गए कि आज वो कमजोर हो चुके, और ये कमजोरी मानने वाला मुख्यमंत्री मुझे लगता है नैतिक आधार पर प्रदेश का नेतृत्व करने लायक नहीं। कल बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे मोदी साहब आएंगे तो लहराएंगे हरियाणा। 400 की बात करते थे, पिछले 12-13 दिनों से तो छोड़ गए, तो लहर कहाँ गई? आज तो मंगलसूत्र की बात होती, और वो दोनों लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं जिनके शायद घर में भी सदस्य ना, जो मंगलसूत्र पहनता। अभी जो सरकार की क्राइसिस आ रहा है, उसमें फिर आपकी कमी से बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन कर सकते मैं हैं। आपके माध्यम से कहता हूं ना, मुझे बात करने की जरूरत, अगर करंट रेजीम को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है बीजेपी अगर मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है आज के दिन, ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत ना बीजेपी के साथ जाने की, मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की हालत छोले फिल्म के जेलर जैसी होती है, आधे उधर चले जाते हैं। चलो आधे इधर है आधे उधर है, जिस दिन विप होगा 10 के 10 लाइन में खड़े दिखाऊंगा। और ये चीज तो विप की ताकत को शायद प्रेस के साथियों ने बड़े अच्छे तरीके से 13 तारीख को विधानसभा में देखा कि जैसे ही चर्चा शुरू हुई तो जेलर का आदेश आया, और जेलर के आदेश में 5 के 5 बाहर थे, नहीं थे तो बताओ। और पूरी वोटिंग तक पार्टी के आदेश को फॉलो किया। अगर आप पार्टी के सिंबल पर जीते हो तो पार्टी के आदेश का नेतृत्व आपको पूरा करना पड़ेगा। राजनीति में अगर आपको पार्टी छोड़नी है तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा देकर विधायक पद से इस्तीफा दीजिए, और अपनी पार्टी की अपनी जो नई सोच की गतिविधि, जनता देखती है कौन किसके मत पे जीता और कौन किसके मत से चला, और आज वो कहीं और अपनी इच्छा जाहिर करता है, जनता उन लोगों को समझती है। मेरा तो इतना बोलना जरूरी है कि जब तक इस विधानसभा का टेन्योर है, अक्टूबर 28 तक हरियाणा प्रदेश में अगर कोई विधायक जननायक जनता पार्टी के सिंबल पे जीता है, विधानसभा की प्रक्रिया के अंदर उसको पार्टी का बिल फॉलो करना। कोई ऐसी संभावना है कि भाजपा फिर से बीजेपी के साथ साथ बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज कई बार स्पष्ट कर चुका हूं और इससे ज्यादा मुझे स्पष्टीकरण देने की जरूरत। अगर हम 11 सीटों पर चुनाव रखने का मनोबल रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो एक उपचुनाव और 9 लोकसभा लड़ रही है, और गठबंधन में एक सीट उनमें दूसरी पार्टी आम आदमी को, चाहे वो लोकदल हो जिसने अपने शायद 6 उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो बसपा हो जो उपचुनाव नहीं लड़ रही, सिर्फ जननायक जनता पार्टी हरियाणा में वो दल है जिसने 10 के 10 कैंडिडेट्स लोकसभा में उतारे और करनाल उपचुनाव के लिए भी अपना उम्मीदवार उतारा है, और मजबूती के साथ 11 के 11 चुनाव आज लड़ा। इतार में सर कोर्ट का मुकाबला मानते हैं कौन से पार्टी के साथ? आज के दिन तो मैं मानता हूं कि श्रीमती नैना चौटाला जी आगे हैं। आज जो परिस्थिति बन रही है, महिलाओं का जो समर्थन उनको मिल रहा है, महिला शक्ति जो पंचायती राज के तौर पर हमने बढ़ाई है, विकसित करी है, राशन डिपो देकर उनको रोजगार के अवसर दिए हैं, बढ़ चढ़कर महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती नैना चौटाला जी के साथ आ रहा है, और वही हिसार की परिवर्तन के अंदर अपनी ताकत बनेगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आज के दिन 8,37,000 महिला वोटर्स शायद हिसार के अंदर है, और उनका नेतृत्व और हरियाणा की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर, जैसे 14 से 19 तक मुझे नेतृत्व मिला था, हिसार चुनेगा और मजबूती के साथ नैना चौटाला जी को अपना सामना। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके फिर रूठ गए वो कांग्रेस के। ये कोई घटनाक्रम आज का नहीं है, ये घटनाक्रम कई बार हुआ। कांग्रेस, कांग्रेस आई, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस,
और आप फिर उसे बैठे हैं, ये दिखाता है कि राजनीतिक तौर पर कितने कमजोर बहुत, और ये दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में उचाणा जैसे वो बारी बारी मेरे को बजा रहे थे उनको बजा के छोड़ दो। जिस तरीके से आपकी पार्टी को जो राजनीति के अंदर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते, जनता उसको समय समय पर जवाब देती है, मुझे इससे ज्यादा किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं आती। हाँ, जननायक जनता पार्टी एक परिवार है, अमित भी मेरे परिवार का सदस्य है, अजीत भी मेरे परिवार का सदस्य है, डॉक्टर बांगड़ भी मेरे परिवार का सदस्य है। जब वो टिकट लेने आए तो वो हमारे परिवार का पटका पहन के हमारे सदस्य बने, आज क्या विषय बना कि वो परिवार से अलग हो रहे हैं। रीजनल पार्टी कोई कोऑपरेटिव बिजनेस नहीं है, या कोई आज के दिन ब्यूरोक्रेटिक पार्टी नहीं है, एक परिवार है, और इस परिवार में नयों को भी अवसर मिलता है। क्या उनको ये घबराहट है कि नए युवा लोग वहां पर नेतृत्व करने को तैयार हैं? करवाला।